पता है लास्ट ईयर मैंने क्या बोला था कि मैं हर रोज लाइव आऊंगा, हर रोज वीडियोस डाला करूंगा, रोज लाइव पे बातचीत होता रहेगा, एकेडमिक्स कैसा चल रहा है, हॉस्टल कैसा है, सब कुछ यही पे डिस्कस करेंगे लाइव पे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, गायब हो गया मैं बीच में से। मार साले का खोपड़ी तोड़। और गायब क्यों नहीं होता? फाइनल एग्जाम आने वाला था और BDS का सेकेंड ईयर है ना, वो बहुत टफ है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होता है, पढ़ना भी बहुत ज़्यादा होता है। पहले ऐसा लगा था कि मैनेज कर पाऊंगा प्रैक्टिकल, एकेडमिक्स, यूट्यूब एंड ऑन, लेकिन हाँ ये बात सही है कि यूट्यूब से ज़्यादा प्रेफरेंस मैंने एकेडमिक्स को दी, वो देना भी चाहिए। माँ कसम बाई चांस अगर फेल कर लिया होता तो अभी मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि फाइनली रिजल्ट आ गया, सही तरीके से पास भी हो गया। अच्छा ऑल थैंक्स टू द ऑलमाइटी, रेस्पेक्टिव टीचर्स, जिन लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ाया जिसके वजह से ही पास कर पाया। तो थैंक यू सो मच ऑल द टीचर्स, आप लोगों के गाइडेंस के वजह से ही मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ। जब घर में पता चला कि मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ, तब घर से कॉल आया कि जो भी तू कर रहा है इसके वजह से एकेडमिक्स पे हैम्पर नहीं होना चाहिए, इसलिए सीरियस हो गया था। और यूट्यूब अभी मैंने बोला कि एग्ज़ाम के वजह से मैंने यूट्यूब में अच्छा वीडियोस नहीं डाला, ठीक है? तो एग्ज़ाम तो ठीक दिसंबर है में ही ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद भी तो ठीक वीडियो है बना सकता था। लेकिन ठीक है, बात समझ यह गया। है, इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। क्वेश्चन पैटर्न सेम ही है, लेकिन जो आंसर शीट चेकिंग का है, पहले ऐसा होता था कि अपने कॉलेज में ही एग्ज़ाम देते थे और पेपर यही चेक होता था, उसके बाद मार्क्स यूनिवर्सिटी में चले जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा है, एग्ज़ाम सेंटर तो अपना ही है, अपने कॉलेज में एग्ज़ाम देना है, लेकिन जो पेपर चेकिंग होगा ना वो सेंट्रलाइज होगा। मतलब तुम्हारे पेपर में जो तुम रोल नंबर पहले रोल नंबर लिखते थे, अपना नाम लिखते थे, इस बार वो नहीं है। इस बार जो मेन पेपर जो यूनिवर्सिटी में जाएगा उसमें पेपर में तुम्हारा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं रहेगा, कौन हो, तुम्हारा रोल नंबर कितना है, तुम कौन से कॉलेज से हो, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। बस एक कोड नंबर रहेगा तुम्हारे पेपर के अगेंस्ट, और वो पेपर कॉलेज से सीधा यूनिवर्सिटी में जाएगा, वहाँ पे जाके पेपर कौन चेक करेगा कोई अता पता नहीं। जोक भाई, देख रहे हो जोक? तो इस बार सबके मन में यही डर था पास होंगे कि नहीं, मेरे मन में भी डर वही था, क्योंकि बाकी सब पेपर ठीक था, लेकिन जो माइक्रोबायो का पेपर है ना वो थोड़ा सा डाउटफुल था कि इसमें शायद मुझे बैक आ जाए, इसलिए मैंने एग्ज़ाम के बाद ना ही वीडियोस बनाया ना ही कुछ किया। एक फैक्ट बताता हूँ, मैंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के लिए एक्स्ट्रा 5,000 अपने अकाउंट में रख दिया था, क्योंकि बाय चांस अगर भाई साहब गलती से भी बैक लग जाए ना तो यही पैसे से मैं फिर से एग्ज़ाम दूंगा। मतलब पहले ऐसा सोचता था कि यार ये लोग पास करने के लिए इतना टेंशन क्यों लेता है, भाई एग्ज़ाम है। मुझे टेंशन था कि अच्छा मार्क्स आया कि नहीं, मतलब टॉप लिस्ट में रहो कि नहीं। वीडियोस देखते हो ना कॉमेडी वीडियोस कि पास हो गया, लड़के पास हो गए, उसमें ही इतना ज़्यादा खुश। इस बार एकदम होपलेस हो गया था, लाइक पैसा भी रेडी करके रखा था कि अगर सप्लीमेंट्री देना होगा तो दे दूंगा, कभी फेल नहीं किया था आज तक, अगर फेल किया तो आई वॉज रेडी, लेकिन अल्टीमेटली हा कहाँ फेल करने वाला था, नहीं किया फेल। $500 in cash in case they don't take MX. She wanted to see me, so now I'm headed to the. तो अभी अच्छा लग रहा है, ऑफिशियली थर्ड ईयर में पहुंच गया, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बना सकता है वीडियो। एग्जाम खत्म हो गया दिसंबर में और रिजल्ट आया अभी फेब्रुआरी के लास्ट में, लेकिन क्लास कब से स्टार्ट हो गया? क्लास जनवरी के 19 से स्टार्ट हो गया। मेरा पहला पोस्टिंग था एंडोडोंटिक्स में, तो एंडोडोंटिक्स में मैंने एक पेशेंट किया, मतलब एक कैविटी प्रिपेयर किया। 3-6 में क्लास 1 कैविटी था, वो भी कॉन्जर्वेटिव बनाया मैंने। अब नॉर्मली सबको कॉन्वेंशनल देता है, लेकिन मैंने कॉन्जर्वेटिव किया। देख रहे हो ना, यहाँ पे सेकंड ईयर का एग्जाम खत्म हो गया, थर्ड ईयर का रिजल्ट भी नहीं आया, सीधा प्रोमोटेड टू थर्ड ईयर क्लिनिकल पोस्टिंग, और उसके बाद पेशेंट पोस्टिंग शिफ्ट हो गया है, अभी तो ऑर्थो में हूँ। फिर क्या हुआ, मतलब इस बीच क्या क्या हुआ? एक तो देखो इतना सब कुछ हैपनिंग हुआ ना ये फर्स्ट मंथ में, IDA जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस है उसमें गया था हमारे कॉलेज से गाना गाने के लिए। उससे पहले क्या हुआ था, हमारे जो GDCT बॉयज़ हॉस्टल है, पहला स्पोर्ट्स वीक हुआ था, वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ था, उसमें जो हमारा टीम था वो चैम्पियन हुआ था। फिर क्या हुआ, फिर आया स्पोर्ट्स वीक, उसके बाद कल्चरल वीक। माँ कसम ये स्पोर्ट्स वीक ने क्या क्या नहीं दिखाया, क्या क्या नहीं सीखा। हमारे कॉलेज में ना एक एक स्टूडेंट इतना टैलेंटेड है स्पोर्ट्स में, कल्चरल के साइड से, नीट के प्रिपरेशन के चक्कर में स्पोर्ट्स या फिर कल्चरल में फोकस ही नहीं कर पाया था। और यहाँ पे आके पता चला
भाई सब सभी लोगों को खेलना आता है। गेम देखने जाओ एक से बढ़कर एक, बैडमिंटन में खतरनाक, वॉलीबॉल में खतरनाक, फुटबॉल क्रिकेट कुछ भी नाम लो सब में खतरनाक। और मैं ये भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है, ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता, मतलब डिप्रेस। स्पोर्ट्स वीक ने इतना डिप्रेशन में डाल दिया भाई, एकदम सैड, लाइक टोटली सैड। रूम से निकलने का मन नहीं करता है। हाँ खेल लेता हूँ बैडमिंटन, स्पोर्ट्स सब कुछ खेल लेता हूँ, लेकिन सब में एवरेज या फिर बिलो एवरेज, बाकी लोग सब में टैलेंटेड। बहुत डिप्रेसिंग गुजरा है स्पोर्ट्स वीक। मैंने तो सोच लिया था कि इस साल थर्ड ईयर में एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दूंगा, वरना यार कॉलेज से अगर बाहर निकलूंगा तब क्या ही बोलूंगा। उसके बाद आया कल्चरल वीक। एक फन फैक्ट बताता हूँ, आज तक मैंने कल्चरल इवेंट्स में एक भी कंपटीशन में सोलो प्राइज नहीं मिला मुझे, लेकिन इस बार खतरनाक हो गया। जब आइडिया से वापस आया गाना गा के ना, खुद में एक कॉन्फिडेंस सा भर गया था कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन था और पहली बार मुझे प्राइज मिला सोलो सॉन्ग में, और वो भी फर्स्ट प्राइज। आए हाय हाय मजा आ गया। एक तो प्राइज मिला खुद को सोलो, ग्रुप डांस में भी एक प्राइज मिला, वो भी थर्ड। फिर भी चलेगा यार, फिर भी चलेगा, प्राइस तो मिला है ना, वही काफी है। यहाँ पे आने के बाद ना ऐसा फील होता है बहुत कुछ मिस कर दिया। कभी स्पोर्ट्स में ध्यान ही नहीं दिया था, मैं खेलता था थोड़ा बहुत, उस तरीके से नहीं खेला था कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को टक्कर दे सको। यार यहाँ पे बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है यार, तो अब क्या, नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, नाउ थर्ड ईयर में हूँ, मजे ही मजे, पढ़ते रहो। जिस बात का डर था कि फेल होऊंगा वो तो फेल नहीं किया, तो और क्या है, अभी टेंशन ही नहीं है, अभी टेंशन फ्री है। मस्त पढ़ाई करो, प्रैक्टिकल करो, क्लिनिकल ड्यूटीज करो, उसके बाद क्या, उसके बाद टाइम मिले तो वीडियो बनाओ। और रील तो बन रहा है भाई, मैंने बोला था, मतलब लास्ट ईयर बोला था कि मुझे 50 मिलियन चाहिए, या तो व्यूज दे दो, या तो लाइक्स दे दो, या तो फॉलोअर्स दे दो, या फिर सब्सक्राइबर्स दे दो, कुछ भी दे दो, 50 मिलियन होना चाहिए। मजाक मजाक में ही 50 मिलियन की तरफ रीच कर रहा है। एक रील में 7 मिलियन और दूसरा 3 मिलियन होने वाला है व्यूज। दो तीन और रील है जिसमें 25K 26K ऐसे व्यूज आ रहे हैं, मतलब माय गॉड कैसे हो रहा है पता नहीं, बस बनाता जा रहा हूँ, होता रहा है। लेकिन 50 मिलियन तो चाहिए। देखो बात यह है कि अगर 50 मिलियन इस साल के अंदर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या करूँगा, रहने दो। वैसे आज संडे है, संडे है मतलब संडे तो फंडे है, लेकिन फंडे नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत करना बाकी है। प्रैक्टिकल नहीं, प्री क्लिनिकल वर्क बहुत करना है, ओरल पैथोलॉजी का रिकॉर्ड कॉपी लिखना है, असाइनमेंट्स करना है, उसके बाद पढ़ना है भाई साहब, उसके बाद कपड़े धोने हैं। ओ माय गॉड, लाइक लास्ट ईयर जो संडे फंडे था, इस साल वो वाला फंडे नहीं है, ये एकेडमिक वाला फंडे है। मतलब पढ़ाई करो, मस्त पढ़ाई करो। पता नहीं कौन मुझे याद रखा होगा, कौन मुझे याद नहीं रखा होगा। ये वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचेगा कि नहीं, जो भी हो थर्ड ईयर में पहुंच गया, बहुत मज़ा आ रहा है। कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कि नहीं, लाइव में आऊँगा कि नहीं, लेकिन जो भी हो सेकेंड ईयर सर्वाइव कर गया। तो आई होप सब लोग ठीक होंगे, तुम लोग जहाँ पे भी हो अच्छे से पढ़ाई करो, बिंदास रहो, चिल रहो, कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये कॉलेज लाइफ है ना, अगर ज़्यादा सीरियसली लोगे, टेंशन लोगे तो यार डिप्रेशन में चला जाएगा पूरा कॉलेज लाइफ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहना है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।